हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी होम विद प्रिया में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ ऑर्गेनाइजर लेके आई हूँ जिन्हें मैंने खुद बनाए हैं अपने घर में ही रखे हुए सामानों से। और ऐसे ऑर्गेनाइजर मैंने ऑनलाइन देखे थे और मैंने देखा कि ये हम घर में ही इजिली बना सकते हैं। अगर आपके पास सामान सारे पड़े हुए हैं तो क्यों ना हम घर में बनाएं और फिर पैसे भी बचाएं अपने, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हर ऑर्गेनाइजर तो हम नहीं खरीदना चाहते, हर ऑर्गेनाइजर हम खरीद भी नहीं सकते। लगता है कि ये इतने सारे पैसे इन ऐसे ऑर्गेनाइजर में वेस्ट करना मेरे ख्याल से बेकार है। तो उससे अच्छा ये है कि अगर आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जिन्हें मैं दिखा रही हूँ, तो उनसे आप इतने अच्छे ऑर्गेनाइजर तैयार कर सकते हैं। वही आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा ताकि सारी जानकारी आपको अच्छे से पता चलेगी और ऑर्गेनाइजर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर देरी किस बात की, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे एक लाइक का बटन है उसे भी दबाना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आज का वीडियो। तो चलिए फिर ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला ऑर्गेनाइजर बनाते हैं और ये ऑर्गेनाइजर काफ़ी काम आएगा आपको। बहुत इजीली तरीके से आप ऐसे पड़े हुए डब्बों से, इस तरह के साइज़ के डब्बों से, जो हल्के फुल्के डब्बे होते हैं उनसे ऐसे ऑर्गेनाइजर बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं। और बहुत हल्की सी मेहनत है इसमें, बस थोड़ा सा कुछ इसमें एफर्ट लगाना है कि आपको इन्हें सबसे पहले इसे कवर कर देती हूँ मैं। कवर करने के बाद फिर मैं जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से बनने के बाद काम आता है आपके उन किचन्स में जो कि हमारे नॉन मॉड्यूलर किचन है, जिनमें कैबिनेट नहीं होते हैं, कम छोटे कैबिनेट होते हैं, या फिर हमारे पास जगह कम होती है नॉन मॉड्यूलर किचन में या छोटे किचन्स में। तो ऐसे किचन्स के लिए ऐसे ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप बनाते हैं तो बहुत ईजिली ये घर में तैयार भी हो जाएंगे, क्योंकि आजकल तो कार्डबोर्ड के डब्बे हर किसी के पास मिल ही जाते हैं, अमेजोन के या कहीं से भी आप शॉपिंग करते हैं तो इस तरह के जो बॉक्सेस होते हैं इजिली आपको मिलते हैं। तो उन्हें इस तरीके से आप कवर करके, और मैं जैसे बताती जा रही हूँ, ये वीडियो बढ़ेगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से मैंने इसे ऑर्गेनाइज किया है अपने छोटे किचन में। चलिए अब बनाते हैं अपना नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर, जो कि मैं इस डब्बे का बनाने वाली हूँ। और ये भी एक ऐसे कुछ मैंने कुछ सामान परचेस किया था मैंने अपने किचन के लिए। इस डब्बे को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगी इस नाइफ की हेल्प से, और बराबर नाप के मैंने फिर दोनों, क्योंकि बराबर ही रखना है तो मैंने नाप के स्केल की हेल्प लेके और फिर मैंने बीच में से कट कर दिया है। और इसका काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजर बन सकता है। इस तरह के जो डब्बे होते हैं लंबे साइज के जो होते हैं उनको आप बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं इनसे, और कार्डबोर्ड के तो देखने में भी अच्छे लगते हैं। अगर आप इन्हें अच्छे से डेकोरेट कर लेते हैं तो आपका किचन का लुक भी बहुत अच्छा लगेगा और इस पे चीज़ें भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी। तो उसके लिए मैंने ये, मेरे पास जूट के कुछ कपड़ा पड़ा हुआ था तो मैंने इसको यूज़ किया है। और इस ऑर्गेनाइजर की सबसे अच्छी खास बात यह है कि ये आपके किचन को डेकोरेट भी करेगा और साथ में आपकी किचन की चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी करेगा।
तो चलिए फिर देखते हैं कि किस तरीके से ये ऑर्गेनाइजर तैयार होने के बाद लगता है। तो बनने के बाद आप देख सकते हैं कि ये कितना प्यारा और क्यूट सा लग रहा है। मैंने इसे अपने किचन की डोर पे हुक लगा हुआ था, तो मैंने सोचा वहीं मैं इसे आपको लगा के दिखाती हूँ कि ये लगने में कैसा लग रहा है। और इसमें छोटी मोटी चीज़ें किचन से रिलेटेड आप आराम से सामान रख सकते हैं। मैंने अभी इसमें अपनी जो एयर टाइट क्लिप्स होती हैं उन्हें रखा है, और चाहे तो आप इसमें कुछ भी इस तरह की हल्की फुल्की चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी। चलिए अब बनाते हैं अपना नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर। और ये ऑर्गेनाइजर मैंने ऑनलाइन काफी देखे हैं और काफी अच्छे रेट पे भी मिलते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उसी के जैसा मिलता जुलता हम घर पे बनाएं। और मेरे पास सारा मटेरियल घर में ही पड़ा था, तो मैंने सोचा ठीक है इससे बनाना ही चाहिए। तो इस तरह का रोलर तो ईजिली घर में मिल जाते हैं, हम लोग ऑनलाइन कोई चीज परचेस करते हैं कुछ चार्ट या कुछ तो उसमें इस तरह के रोलर मिल जाते हैं। और मेरे पास लकड़ी का एक टुकड़ा पड़ा था छोटा सा, बहुत पहले कुछ काम हुआ था घर पे तो टुकड़ा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने रोलर्स को, ये जो मेरे पास ये कार्डबोर्ड का रोल है, इसको मैंने तीन भाग में बराबर पार्ट में काटा है, डिवाइड किया है, क्योंकि मुझे तीन पार्ट में चाहिए ये रोलर। और इसके बाद फिर मैं इसे धीरे धीरे जिस तरह से बनाती जा रही हूँ आप देखिए, और बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो जाएगा ये। जैसा आप मार्केट से खरीदते हैं उसी तरह का ऑर्गेनाइजर ये बनके घर में आप पे बहुत इजीली तैयार हो जाएगा, और पैसे भी बहुत कम लगते हैं। घर पे पड़ी हुई चीजों से आप बहुत इजीली ऐसे ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे बनके तैयार हो रहा है, और
सारे ही ऑर्गेनाइजर जो भी मैंने आपको बताया, अगर आप घर इसे किचन में या किचन के अलावा कहीं भी यूज करते हैं तो ये देखने में भी अच्छे लगेंगे और काफी काम आएंगे। और इसी तरह के ऑर्गेनाइजर मैंने ऑनलाइन भी देखे हैं, इवन मैंने मार्केट में भी देखे हैं, बिकते हैं काफी अच्छे प्राइस पे। तो बहुत इजीली आप इसे घर पे बना सकते हैं। जब आपके पास चीजें पड़ी हुई हैं तो क्यों ना आप इसे यूज करें, अपनी पुरानी चीजों को यूज करके एक नया ऑर्गेनाइजर तैयार करें अपने छोटे किचन के लिए। नॉन मॉडल किचन या छोटे किचन या किसी भी तरह के किचन के लिए आप इस तरह के ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं घर में। ये ऑर्गेनाइजर वैसे तो मैंने अपने कटलरी के लिए मैंने आपको दिखाया, बट इसे आप अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे स्टडी टेबल पे बच्चों के जो स्टेशनरी का सामान होता है उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्टडी ये डाइनिंग टेबल के ऊपर भी आप इसे इस तरीके से अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करने की चीजों को यूज कर सकते हैं। तो ये थे मेरे सारे ऑर्गेनाइजर, और ये जो भी ऑर्गेनाइजर मैंने आपको दिखाए अगर आप मार्केट से लेते हैं तो काफी महंगे मिलते हैं। मैंने देखा है ऑनलाइन, मैंने इनके रेट देख रखे हैं कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव आते ही हैं। तो घर पे बनाइए और अपने पैसे भी बचाइए। और बताइए मुझे आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कौन सा ऑर्गेनाइजर इसमें सबसे अच्छा लगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।